गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मॉमी टॉकीज के एक और नए वीडियो में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल करके मदर्स अपने ब्रेस्ट मिल्क को पंप कर सकती हैं, पंप करके एक बॉटल में निकाल सकती हैं एंड अपने बच्चों को डायरेक्टली फीड करा सकती हैं या फिर अपने ब्रेस्ट मिल्क को अपने बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकती हैं। ब्रेस्ट पंप की जरूरत हमें तब पड़ती है जब मदर्स अपने बच्चों से दूर होती है या बच्चा अच्छी तरीके से लैच नहीं कर पाता है या फिर ब्रेस्ट एंगोशमेंट का केस होता है या फिर आपका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई जो है वो कम हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में मदर्स अपने ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके अपने बच्चों को सिर्फ अपना ही ब्रेस्ट मिल्क पिला सकती हैं। इसलिए कहा जाता है एक ब्रेस्ट पंप एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए द मोस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट में से एक है। बट जितना इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट पंप को सही तरीके से क्लीन एंड स्टरलाइज करना ताकि मदर्स एंड बच्चे दोनों के लिए ही हाइजीन यहाँ पे बने रहे। बट इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिसमें अगर गलती से भी पानी चला जाए तो पंप खराब हो सकता है एंड इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको लव लैब एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप को क्लीन एंड स्टरलाइज करके दिखाऊंगी एंड साथ ही साथ हम समझेंगे कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसके साथ आपको सबसे ज्यादा केयरफुल रहना होगा एंड हम इस पंप के फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत प्यारे वीडियोस बनाने के लिए। अब आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सो लव लैब एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में आपको मिलता है अ सॉफ्ट सिलिकॉन मसाज कुशन, अ ब्रेस्ट पंप बॉडी, अ डकबिल वॉल्व, अ सिलिकॉन डायफ्राम, अ सिलिकॉन ट्यूब, अ मिल्क कंटेनर, टीथ एंड कैप, इलेक्ट्रिकल यूनिट, पावर अडैप्टर एंड वायर, अ ट्रैवल फ्रेंडली पाउच एंड इस किट के साथ आपको एक्स्ट्रा ब्रेस्ट पैड, डिस्क प्रोटेक्शन कैप एंड एक्स्ट्रा सिलिकॉन डायफ्राम भी मिलता है। इस पंप को असेंबल करना भी उतना ही आसान है। असेंबल करने के लिए पहले आप सिलिकॉन कुशन को पंप बॉडी के फनल शेप में लगा दीजिए, फिर आप डकबिल वॉल्व को लगा दीजिए एंड बॉटल को अटैच कर दीजिए, फिर आप सिलिकॉन डायफ्राम को पंप के ऊपर फिक्स कर दीजिए, फिर आप सिलिकॉन ट्यूब के वन एंड को पंप के साथ अटैच कर दीजिए एंड सेकेंड एंड को इलेक्ट्रिकल यूनिट के साथ अटैच कर दीजिए, फिर आप इलेक्ट्रिक यूनिट को पावर सोर्स में कनेक्ट कर दीजिए एंड आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इस पंप में आपको टू पंपिंग मोड मिलता है, दैट इज स्टिमुलेशन एंड एक्सप्रेशन मोड, जो कि नेचुरल सटलिंग रिदम को मिमिक करते हैं जिसको आप इलेक्ट्रिकल यूनिट पे दिए गए मोड बटन को प्रेस करके चेंज कर सकते हैं एंड बेस्ट पार्ट है कि दोनों ही मोड्स में आपको 9 डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स भी मिलती हैं जिसको अगेन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। बेस्ट एंड वेरी यूजफुल पार्ट है कि इसमें एंटी बैक फ्लो वॉल्व भी है जिसके वजह से मिल्क कलेक्शन यूनिट इलेक्ट्रिकल यूनिट से सेपरेटेड रहता है एंड मिल्क कंटामिनेशन बिल्कुल नहीं होता है। इसमें इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी है जिसको आप चार्ज करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इसके साथ आपको एक कन्वीनियंट यूएसबी चार्जर मिलता है जिसका इस्तेमाल करके आप इस डिवाइस को बड़े आसानी से कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। इनके सारे ही पार्ट्स बीपीए फ्री है, मतलब इनको बनाने के लिए किसी भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मतलब ये मदर्स एंड बच्चे दोनों के लिए एब्सोल्युटली सेफ है। अब सबसे जरूरी बात कर लेते हैं कि इसको क्लीन एंड स्टरलाइज कैसे किया जाता है। पंप को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आप इसके सारे ही पार्ट्स को अलग कर दीजिए। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक यूनिट सिलिकॉन ट्यूब पावर अडैप्टर एंड वायर को क्लीन नहीं करना है। अगर इसमें गलती से भी पानी जाता है तो ये खराब हो जाएगा एंड पंप काम नहीं करेगा। इनके सारे ही पार्ट्स को अलग करने के बाद फिर आप एक बड़े से बर्तन में किसी अच्छे लिक्विड क्लींजर को मिक्स कर दीजिए। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लव लैब का लिक्विड क्लींजर। मिक्स करने के बाद आप पंप के सारे ही पार्ट्स को बर्तन में एक एक करके डाल दीजिए, फिर आप बहुत ही सॉफ्ट स्पंज का इस्तेमाल करते हुए सारे ही पार्ट्स को हल्के हाथों से क्लीन करिए। ध्यान रखिएगा स्पंज बहुत ही हल्का होना चाहिए वरना सिलिकॉन पार्ट खराब हो सकता है एंड पंप नहीं चलेगा। फिर आपको पंप के सारे ही पार्ट्स को अच्छी तरीके से रनिंग वाटर में एक एक करके क्लीन कर लेना है। ध्यान रखिएगा क्लीन करने के टाइम पे आपको वॉल्व का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए वरना वॉल्व खराब हो जाएगा एंड पंप नहीं चलेगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इनके सारे पार्ट्स को क्लीन कर सकते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल यूनिट सिलिकॉन ट्यूब पावर अडैप्टर एंड अ कॉट।
सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद बॉइलिंग वाटर से स्टरलाइज करने के लिए पहले आप एक पानी वाले बर्तन में सारे पार्ट्स को डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा पानी इतना डाला है कि सारे ही पार्ट्स अच्छी तरीके से डूब जाए। फिर आप हाई गैस फ्लेम में बर्तन को रख दीजिए एंड पानी में उबाल आने का वेट कीजिए। पानी में एक बार उबाल आ जाए तो 5 मिनट तक वेट कीजिए, फिर आप गैस को बंद कर सकते हैं। उसके बाद पानी बहुत गर्म होगा तो किसी भी टोंग की मदद से इनके सारे पार्ट्स को किसी क्लीन एंड ड्राई एरिया में आप रख सकते हैं एंड इस तरीके से बड़ी आसानी से आप बॉइलिंग वाटर से स्टरलाइज कर सकते हैं। इसको स्टरलाइजर में स्टरलाइज करने के लिए पहले आप सारे ही पार्ट्स को स्टरलाइजर में एक एक करके डाल दीजिए, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल यूनिट, सिलिकॉन ट्यूब, पावर अडैप्टर एंड अ कॉट। फिर आप स्टरलाइजर में पानी डाल दीजिए एंड स्टरलाइजर को ऑन कर दीजिए। ये स्टरलाइजर ऑटोमेटिकली ही सारे पार्ट्स को 8 मिनट में सिर्फ स्टरलाइज कर देता है। 8 मिनट के बाद एक बार स्टरलाइजर ऑफ हो जाए तो सारे पार्ट्स को किसी टोंग की मदद से क्लीन एंड ड्राई एरिया में निकाल दीजिए, दैट्स इट। एंड इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इनके सारे पार्ट्स को स्टरलाइजर में स्टरलाइज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा वॉल्व को निकालने या लगाने के लिए आपको सिर्फ वॉल्व के साइड में दिए गए पार्ट को ही पकड़ करके निकालना है, वरना वॉल्व खराब हो सकता है। So, दोस्तों इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप इस पंप को क्लीन एंड स्टरलाइज कर सकते हैं एंड आपको इन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। एंड अगर आपको लव लैब एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप पसंद आया होगा एंड अगर आपको भी अपने ब्यूटीफुल ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के लिए खरीदना होगा तो ये बहुत ही आसानी से अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड लव लैब के साइट पे अवेलेबल है, जिसका परचेज लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे ही दे दूंगी। आप वहां पे क्लिक करके अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे कॉमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमी टॉकीज। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।